हम सब लोग तो अपने काम को करना बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो अपने काम को इतनी फुर्ती से करते हैं जिन्हें देखकर हम सब की आंखें दंग रह जाती हैं। तो दोस्तों, मैं दुनिया के 5 ऐसे वर्कर्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच से भी तेज है, और हो भी क्यों ना दोस्तों, उन्होंने अपने काम के लिए इतनी मेहनत जो की है। दोस्तों, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं वीडियो। फास्टेस्ट पंचिंग। कोई भी इंसान अगर अपने काम को सही समय और साथ साथ कड़ी परिश्रम से करता है तो वो हर एक काम कर सकता है जिसकी दुनिया बस कल्पना ही कर सकती है। फारिद भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसने अपनी मेहनत और लगन की मदद से वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। फारिद ने सबसे तेज गति में पंचिंग करने में महारत हासिल कर ली है। इस शख्स की ये कारनामे देख कर आप को ये तो पता चल ही गया होगा कि ये दुनिया का फास्टेस्ट पंच मारने वाला व्यक्ति है। फारिद को एक पंच लगाने के लिए 0.5 मिली सेकेंड का समय लगता है। इतनी तेज गति से पंचिंग करने वाला इंसान शायद ही कोई और होगा। वेट पुलिंग। ये वेट पुलिंग जिम में जाकर वेट उठाना नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के वो लोग हैं जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए अपने सर पर इतना ज्यादा वेट उठाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने तो कई घरों को बनते हुए जरूर देखा होगा जहाँ मजदूर अपने कड़ी मेहनत की वजह से अपने सर पर इतना ज्यादा वजन उठाते हैं जिन्हें देखकर ही कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं। और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो अपने काम को एक ऐसे लेवल पर ले जा चुके हैं जहां उनकी तारीफें करने से कोई नहीं थकता। फास्टेस्ट रनिंग ऑन ट्रेडमिल। कुछ लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम तो जरूर जाते होंगे और जिम जाकर वहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते होंगे। जो लोग मोटे हैं वहाँ वो अपने वजन घटाने के लिए आते हैं और इसी वजन घटाने के लिए वो ट्रेडमिल पर कभी न कभी तो चलते ही है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर है उसेन बोल्ट, पर क्या आप ट्रेडमिल पर सबसे ज्यादा तेज गति से रनिंग करने वाले व्यक्ति को जानते हो? ट्रेडमिल पर सबसे फास्ट रनिंग करने वाले इंसान का नाम है लुइस वनिलो जूनियर। लुइस ने 38.56 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेडमिल पर दौड़कर उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो इससे पहले कई लोगों ने बनाए थे। ये गति कितनी तेज है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसेन बोल्ट की जो स्पीड है वो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, अगर आप बिना प्रैक्टिस से इतनी स्पीड में दौड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। ऑनियन कटिंग। प्याज काटने का इससे तेज तरीका शायद ही आपने पहले कहीं देखा होगा। भारत में रहने वाला ये व्यक्ति कुछ ही समय में 50 किलो प्याज काट लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे प्याज काटते वक्त इसके आंखों में से कभी भी आंसू नहीं आते। फास्टेस्ट टाइपिंग इन द वर्ल्ड। एक आम इंसान को नॉर्मल टाइपिंग सीखने में कम से कम 6 महीना या 1 साल तक भी लग जाते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस इंसान को फास्ट टाइपिंग करने में कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी होगी। अगर आप भी नॉर्मल टाइपिंग करने वाले लोगों से कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं तो आपको भी फास्ट ही कहा जाएगा, लेकिन आपकी फास्ट टाइपिंग करने की स्पीड उस इंसान से बहुत ही कम है जो दुनिया का सबसे फास्ट टाइपिंग करने वाला व्यक्ति है। शॉन रोना नामक इस व्यक्ति ने 163 वर्ड प्रति मिनट की गति से टाइप करके वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑफ फैक्ट सच्चाई की नई राह।